Hello everyone, my name is Yash and welcome back to Accessibility Point. In our last session, we concluded with noun numbers. And what we have to do today, we have to continue with some essential noun numbers which I think are important for your exam perspective. So, let us start guys. Jaisa ki maine aapko promise kiya tha, ki I will be giving you some extra nouns which I think are important for your SSC examination, both for prelims and mates examination. ओके सो स्टार्ट करते हैं विद दिस स्लाइड. लास्ट सेशन में आई टोल्ड यू कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं. उनको देख के ऐसा लगता है कि वो प्लूरल हैं, बट एक्चुअली में दे आर सिंगुलर इन फॉर्म बिकॉज उनके आखिर में लेटर एस की प्रेजेंस होती है. दैट इज वाई उनको देख के ऐसा लगता है दे आर प्लूरल, बट एक्चुअली में वो सिंगुलर होते हैं. सो उसमें एक कंसेप्ट और मेरे को आपको बताना था विच आई हैव एडेड इन माई दिस स्लाइड. ओके इन दिस टुडे सेशन. सो देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन. या दिस इज अ गुड वन एंड आई लाइक दिस. ओके सो लेट स्टार्ट. सो जैसा कि आपको पता है, कुछ मैंने आपको बताए थे कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के नाम होते हैं एंड दे लुक लाइक प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, लाइक फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, सिविक्स, फनेटिक्स, मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स. ओके अब इसमें जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट आई नीडेड टू टेल यू वो ये था कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स के नाम से पहले कुछ वर्ड्स की एडिशन कर देते हो, तो दे बिकम प्लूरल इन फॉर्म. ओके एक्चुअली में दे आर इन सिंगुलर फॉर्म एंड वी विल यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, बट इफ यू एड सम ऑफ द वर्ड्स विच आई एम गोना लेट यू नो, देन दे विल बिकम प्लूरल एंड थोड़ा सा उनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा. एंड हाउ, लेट अस सी. माय, इफ यू ऐड माय, हिज, देयर, योर, सच एंड आर्टिकल द, अगर इन सब्जेक्ट्स के नाम से पहले आप ये इनमें से कोई भी वर्ड ऐड कर देते हो शुरुआत में, उनका मीनिंग स्लाइटली चेंज हो जाएगा एंड दे विल बिकम प्लूरल एंड दे विल रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब, लाइक यू कैन सी ओवर हियर इन दीज टू एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू. मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अब इस वाले केस में देखिए, ये जो सेंटेंस है मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसमें किसका यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, राइट? सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, इज का यूज हुआ. वाई? बिकॉज ये जो मैथमेटिक्स को मैं मान रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मान रहा हूँ. ओके एंड सब्जेक्ट वर्ड कैसा भी हो, चाहे वो दिखने में प्लूरल ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जो वर्ब रिक्वायरमेंट होगी वो सिंगुलर ही होगी. दैट इज वाई मैथमेटिक्स के बाद इज आएगा. ओके बट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आर का यूज किया है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया है एंड द सेंटेंस कंटेन्स द सेम वर्ड, द सेम सब्जेक्ट नेम मैथमेटिक्स, बट यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज इसलिए किया है क्योंकि इस मैथमेटिक्स से पहले मैंने माय का यूज किया है एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड इन सब्जेक्ट के नाम से पहले आ जाता है दे विल बिकम प्लूरल एंड मीनिंग भी स्लाइटली चेंज हुआ. कैसे? यहाँ पे ये जो मैथमेटिक्स है ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन इस केस में ये सब्जेक्ट नहीं है. इट बिकेम वॉट? इट बिकेम कैलकुलेशंस. माई मैथमेटिक्स आर वीक, इसका मतलब क्या हो गया? मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वीक नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई कैलकुलेशंस, द एबिलिटी विच इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स, वो वीक है मेरी. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऐसी एक और एग्जाम्पल, ये भी एक सब्जेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे यूज किया है. स्टैटिस्टिक्स इज अ फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस. ओके यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज क्यों हुआ? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है. ओके लेकिन अब देखिए, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ही है लेकिन यहाँ पे मैंने द का यूज किया है जो मैंने यहाँ से उठाया है. ओके इस केस में यहाँ पे मैंने जो भी सेंटेंस बनाया उसमें जो वर्ब ली है वो प्लूरल ली है. ओके द स्टैटिस्टिक्स ऑफ अवर डेटा वर नॉट एनफ टू ग्रो. ओके यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जो एनालिसिस है उसकी बात की जा रही है. सो आपको बस इतना सा छोटा सा बात ध्यान रखनी है कि अगर सब्जेक्ट के नाम से पहले आपके कोई भी ये वर्ड माई, हिज, देयर, योर, सच, द आ जाता है उन सब्जेक्ट के नाम से पहले, सो यू विल हैव टू यूज प्लूरल वर्ब आफ्टर दीज नेम्स और दीज नाउन्स. ओके आई होप यू अंडरस्टूड माई मीनिंग. अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. सो या ये कुछ और नाउन्स हैं विच यू कैन सी. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें आखिर में यू एम का यूज होता है एंड वी प्रोनाउंस इट द सेम.
लाइक यू एम अम। ओके तो अब क्या होता है कि इनका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो अलग होता है। ओके जो एंड होते हैं अम से यू एम से उनका सिंगुलर फॉर्म अलग होता है एंड व्हेन दे बिकम प्लूरल तो वो जो प्लूरल होता है वो एडिंग ए यू हैव टू यूज यू हैव टू एड ए लेटर ए ओके देन दे विल बिकम प्लूरल। ठीक है जैसे तुम्हारे एक सामने एग्जांपल है डेटम। मोस्टली हम डेटम बहुत कम यूज करते हैं बिकॉज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेटा सो वी डू नॉट फील लाइक डेटा मस्ट बी सिंगुलर डेटा इज एक्चुअली वी यूज और वी रिक्वायर इन प्लूरल इज इन प्लूरल इज इन प्लूरल फॉर्म सो दैट इज वाई हम डेटा का यूज नहीं करते हैं। डेटा का यूज इसलिए करते हैं डेटम का यूज नहीं करते हैं सॉरी डेटम का यूज नहीं करते हैं डेटा का यूज करते हैं व्हाई बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन हम रिक्वायर करते हैं व्हाइल टॉकिंग व्हाइल यूजिंग व्हाइल प्रोसेसिंग सो डेटा हमें प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है बिकॉज डेटा जो हम लेंगे वो यूज करेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में यूज कर ही नहीं सकते हैं एक क्या डेटा होगा किसी का। सो ऐसे ही जो डेटम होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है एंड लेट मी टेल यू ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं होते हैं एंड इनका थोड़ा सा रूल भी अलग होता है व्हाइल वी मेक देम प्लूरल। ओके सो दैट इज व्हाई इनका जो प्लूरल बनने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है हम एस का यूज नहीं करते हैं टू मेक दीज नाउन्स प्लूरल। ओके सो इंग्लिश वर्ड्स में हम एस का यूज कर देते हैं लेकिन लैटिन वर्ड्स में हम बेसिकली एस का यूज नहीं करते हैं कुछ अलग अलग तरीका होता है प्लूरल बनाने का लाइक यहाँ पे लेटर ए का यूज किया। ओके सो डेटा के बाद जो प्लूरल फॉर्म होगा डेटम का जो होगा वो क्या होगा डेटा होगा। ऐसे ही इराटम इराटम का मतलब क्या होता है एक तरह का एरर होता है। ठीक है एंड आप ये जो है सब देख सकते हैं वोकैबुलरी में और बहुत जगह ये सारे वर्ड्स कॉमन नाउंस है यूज होते हैं। तो इराटम का मतलब होता है जो प्रिंटिंग में मिस्टेक्स हो जाती है वाइल प्रिंटिंग अ बुक सो उसमें जो एरर आ जाता है उसे इराटम बोलते हैं। ठीक है तो इराटम का इराटा रेफरेंडम I hope you know what is referendum. It is a type of vote. Okay. Then referendum का क्या होगा Referenda. Agendum. Agenda. आपने देखा होगा whenever we use the word agenda, हम agenda ही use करते हैं agendum नहीं क्योंकि किसी भी business का जो meeting का जो भी subject होगा जो भी topic होगा जो भी timetable होगा जो भी schedule होगा जो भी target होगा जिसे हम agenda बोलते हैं वो एक तो नहीं होगा इसलिए हम agenda नहीं agendum नहीं बोलते हैं agenda बोलते हैं है ना। एजेंडम हम बहुत रेयरली यूज करते हैं एजेंडा इसलिए यूज करते हैं बिकॉज हमारे जो टारगेट्स होते हैं एम्स होते हैं किसी भी बिजनेस के मीटिंग के वो मोर देन वन होते हैं मोर देन सिंगल होते हैं सो दैट इज वाई वी यूज एजेंडा। एजेंडम का एजेंडा हो जाएगा। बैक्टेरियम का बैक्टेरिया ये जो बैक्टेरिया हम बोलते हैं ये मोर देन वन बैक्टेरिया की हम बात करते हैं। मीडियम का क्या होता है मीडिया होता है। मेमोरेंडम का क्या होगा मेमोरेंडा। ओके यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे ही है। स्ट्रैटम का क्या हो जाएगा स्ट्रैटा हो जाएगा। स्ट्रैटम लेट मी टेल यू स्ट्रैटम क्या होता है स्ट्रैटा क्या होता है ये जो लेयर्स होती हैं अलग अलग उसे स्ट्रैटा बोला जाता है। ग्राउंड की हो गई किसी भी होगी तो उनको जो बोला जाता है वो स्ट्रैटा बोला जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स। उसके बाद है कोरिजेंडम। कोरिजेंडम का क्या होता है कोरिजेंडा होता है ये भी एक तरह का एरर होता है व्हेन वी फाइंड इट इन प्रिंटिंग बुक्स। ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड टू। अब आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शन टू दी अबव रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में एक्सेप्शन होती हैं एंड मैंने इन लास्ट स्लाइड आपको ये भी बताया कि कुछ लैटिन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो यू एम से स्टार्ट होते हैं सॉरी यू एम से एंड होते हैं एंड उनका जो आखिर में प्लूरल बनता है वो एडिंग ए का यूज करके बनता है प्लूरल। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं। देर आर लॉट ऑफ वर्ड्स इन अवर डिक्शनरी जिसमें आप पाओगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो जो पहले वाली स्लाइड के रूल को नगेट करते हैं। ओके जैसे ये देखो यहाँ पे हारमोनियम लिखा हुआ है सिंगुलर फॉर्म में ठीक है यहाँ पे भी यू एम का यूज किया हुआ है लेकिन यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज नहीं कर रहे सॉरी लेटर ए का यूज नहीं कर रहे हैं हारमोनिया नहीं बोलते हारमोनियम से ही बोलते हैं। तो एक्सेप्शंस यू नीड टू गैदर एवरी टाइम। ओके एंड यू हैव टू बी हैबिचुअल व्हाइल रीडिंग द एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्टिंग द एक्सेप्शंस। ओके सो हारमोनियम का हारमोनियम्स होता है वी विल यूज एस टू मेक देम प्लूरल। पेंडुलम आई होप यू नो वॉट इज पेंडुलम। पेंडुलम का पेंडुलम्स होता है। कोरम का कोरम्स होता है। ओके स्टेडियम का स्टेडियम्स ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम्स म्यूजियम म्यूजियम्स असाइलम असाइलम्स आई होप यू नो वॉट इज असाइलम। ओके देन पेट्रोलियम पेट्रोलियम्स
Okay, then gymnasium, gymnasiums. Maximum, maxima भी होता है. Okay, इन maximums भी होता है. तो ये कुछ रट्टा वगैरह मारने की जरूरत नहीं है कि किसके आगे ए लगता है, किसके आगे एस लगता है. वेन एवर यू रीड, ओके, बार बार किसी भी पर्टिकुलर वो कैप देखोगे या न्यूज़पेपर रीड आउट करोगे या मैगजीन्स को पढ़ोगे, तो ये सारे वर्ड्स आपके सामने आते रहेंगे एंड यू विल बी हैबिचुअल ऑफ दीज वर्ड्स, ओके, वाइल्ड रीडिंग. तो इसलिए बोला जाता है रीडिंग करनी चाहिए, बिकॉज ऑल टाइम यू कैन नॉट मग अप. ओके, उसके बाद मैक्सिमम का मैक्सिमा और मैक्सिमम्स दोनों होते हैं. उसके बाद मिलीनियम, मिलीनियम का मतलब क्या हो गया, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स. तो मिलीनियम का मिलीनिया भी होता है एंड मिलीनियम्स भी होता है. तो ये कुछ वर्ड्स हैं मैंने एडिशनली ऐड किए हैं. व्हाई? बिकॉज आई थॉट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. एक्स्ट्रा मैंने कुछ नाउन्स इसमें ऐड किए हैं स्लाइड में. ओके, यू नीड टू लर्न देम. चलिए आगे बढ़ते हैं. So, learners, I was letting you know about the difference between assets and asset. The word, the noun, assets and asset mein difference hota hai. Kya difference hai? Let us just see. Assets ka matlab hota hai to mean property. Okay, when we talk about property, chahe wo tangible ho, intangible ho, so we call it what? We call it assets. And jo singular form hota hai asset ka, it means वर्च्यू. वर्च्यू मतलब क्या होता है? वर्च्यू मीन्स गुण, जो क्वालिटी होती है किसी भी इंसान की, कोई वर्च्यू होता है, उसमें कोई गुण होता है, क्वालिटी होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट थिंग, सो वी कॉल इट एन एसेट. ओके, वी कैन जस्ट लुक एट टू एग्जांपल्स ऑफ दीज नाउन्स. वी गॉट ग्रोथ इन नेट एसेट्स. नाउ यहाँ पे नेट एसेट्स की बात हो रही है, नेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है. ओके, सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड इन और कैन बी यूज्ड विद द वर्ड्स एसेट्स. ही हैज अ ग्रेट एसेट फॉर हिज टीम. ओके, सो यहाँ पे एसेट है सिंगुलर फॉर्म में, यहाँ पे प्लूरल था, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट टैलेंट, स्किल और क्वालिटी फॉर हिज टीम. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एसेट एंड एसेट्स. एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी एंड एसेट का मतलब क्या हो गया, क्वालिटी. आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग. लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर डिफरेंसेस इफ वी हैव. यस, कंपास एंड कंपासेस. आई होप यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सीन दीज वर्ड्स इन योर लाइफ बिकॉज दे आर वेरी कॉमन. एक होता है कंपास, एक होता है कंपासेस. हाउ वुड यू रिलेट दीज वर्ड्स टू योर लाइफ? आई विल लेट यू नो. आपने बचपन में देखा होगा एक प्रकार होता है जो वी यूज इन मैथमेटिक्स, एंड आपने देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है वी यूज फॉर गेटिंग द डायरेक्शन, राइट. तो वही उन्हीं सब जो मैं बात कर रहा हूँ उनसे रिलेटेड है आपका कंपास एंड कंपासेस. ओके, ये बताना था मुझे आपको. एंड ग्लास और ग्लासेस, ग्लास और ग्लासेस में भी डिफरेंस होता है. मैंने आपको लास्ट सेशन में आई थिंक मैंने आपको बताया था कि जो ग्लासेस होते हैं दी बाइनोकुलर्स और लाइक जो चश्मा हम पहनते हैं उन्हीं की तरह जो ग्लासेस भी होते हैं लाइक सन ग्लासेस. तो वो हो गया ग्लासेस. एंड यू विल बी यूजिंग दिस वर्ड इन ओनली इन प्लूरल फॉर्म. व्हाई? बिकॉज पेयर है, पेयर. ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वो वाला ग्लास हो जाएगा जो चश्मा हम पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स. ओके, और ये ग्लास दो तरह के होते हैं, ठीक है. इसमें आपको डिफरेंस देखना है. ये जो होगा ये प्लूरल फॉर्म में अलग चला गया, ये अलग चला गया और ये अलग चला गया. तो ये हो गया पेयर में, बट ये पेयर में यूज नहीं होता. ये वो वाला ग्लास है जिससे हम जो कंटेनर होता है, जो वेसल होता है पानी पीने के लिए. ओके, सो अगर एक ग्लास है तो उसे ग्लास बोलेंगे, एक से ज्यादा ग्लास है ग्लासेस बोलेंगे. तो वो जो ग्लासेस है वो इस ग्लास से डिफरेंट है. ओके, सो देयर इज अ वे ऑफ यूजिंग बोथ वर्ड्स. जैसे एग्जाम्पल, शी टेक्स टू ग्लासेस. यहाँ पे टू ग्लासेस लिखा है, अब कैसे पहचानोगे ये कौन से वाले ग्लासेस हैं? तो कौन से वाले ग्लासेस हैं, स्टेटमेंट से पता लग जाएगा. बनाना शेक डेली, यानी कि ये उन ग्लासेस की बात करी जा रही है जो कंटेनर होता है जिसमें बनाना शेक या वाटर आ सकता है. तो ये वाला ग्लासेस डिफरेंट है इस वाले ग्लासेस से जो जो स्पेक्टिकल्स वाला होता है. ओके, और उसके बाद एक ग्लास और होता है, एक ग्लास और होता है. कौन सा वाला ग्लास होता है? जो शीशा होता है, जो कांच होता है. शीशे को तो मिरर बोल देंगे, जो कांच होता है वो एक ग्लास अलग होता है, वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है. इस वाले ग्लास को, जो शीशे वाला होता है उसको आप, जो कांच वाला होता है उसको आप प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज वो अनकाउंटेबल है ना. जैसे
ग्लास अनकाउंटेबल नाउन मीन्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज फॉर विंडोज एंड स्क्रीन. आई होप आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ गया होगा मैं कौन से वाले ग्लास की बात कर रहा हूँ. सबके घर में वो ग्लास पाया जाता है और वो अनकाउंटेबल है. क्यों अनकाउंटेबल है? क्योंकि अनकाउंटेबल है. जैसे मिरर को काउंट नहीं किया जा सकता वैसे ही ग्लास को काउंट नहीं किया जा सकता. एंड दिस टाइप ऑफ ग्लास, दिस वाला ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वाला ग्लास. आई होप यू अंडरस्टूड. अब आगे बढ़ते हैं. या सम अदर कार्डिनल नाउंस. नहीं, ये कार्डिनल नाउंस नहीं है, ये मैं काट देता हूँ, ये मैं अपनी पीपीटी में चेंज कर लूंगा. ओके, स्लाइड में चेंज कर लूंगा, एक मिस्टेक हो गई है, शायद मुझसे ही हुई है. कार्डिनल नाउंस का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको आर्टिकल्स में बताने वाला हूँ. तो यहाँ पे हम वो वाले नाउन पढ़ेंगे स्लाइड में जो नाउन्स मीनिंग चेंज कर देते हैं व्हेन दे बिकम प्लूरल. मैंने आपको लास्ट सेशन में कुछ वर्ड्स बताए थे, कुछ नाउन्स बताए थे, दे चेंज देयर मीनिंग व्हेन दे बिकम प्लूरल. सो एक्स्ट्रा नाउन्स भी कुछ थे मेरे पास, तो मैंने क्या करा उनको ऐड कर दिया अपनी स्लाइड में, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू. ओके, सो दीज आर नाउन्स विच चेंज देयर मीनिंग व्हेन दे बिकम प्लूरल. लाइक यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है. पाउडर, पाउडर का मतलब आपको पता होगा. अगर सिंगुलर फॉर्म में पाउडर यूज हो रहा है इट मीन्स इट इज अ डस्ट. ओ, आप डस्ट से पहले ए नहीं लगा सकते हो. क्यों नहीं लगा सकते हो? बिकॉज डस्ट इज अनकाउंटेबल. सो व्हाट आई जस्ट टोल्ड रिसेंटली वो गलत हो गया. ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट पाउडर विच इज डस्ट. ओके, पाउडर अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो वो डस्ट होगा, लेकिन अगर आप पाउडर्स बोलते हैं उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. अच्छा, इसके लिए आपको ये ऑलमोस्ट सारे देखने पड़ेंगे बिकॉज आपको नहीं पता कि इनका मीनिंग चेंज क्या होता है, तो ये दिमाग में बिठाने के लिए आपको एक्चुअली में पढ़ना पड़ेगा, है ना. तो पाउडर हो गया, डस्ट हो गया सिंगुलर फॉर्म में, और जो प्लूरल फॉर्म में होता है, जो प्लूरल फॉर्म में होता है वो पाउडर्स, उसका मतलब होता है डोजेस ऑफ मेडिसिन. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द डोजेस ऑफ मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड बाय अ पर्टिकुलर फिजिशियन और डॉक्टर. उसके बाद रिटर्न का मतलब आपको पता ही है, रिटर्न का मतलब होता है किसी का वापसी, वापसी बोल सकते हो, है ना. लेकिन जो रिटर्न है आपको पता ही होगा इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं, अकाउंट ऑफ इनकम. दोनों में देखो कितना ह्यूज डिफरेंस आ गया, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है. वर्क का मतलब आपको पता ही है, वर्क अनकाउंटेबल होता है, लेकिन वर्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ वो पीस ऑफ लिटरेसी हो जाएगा. हमेशा ध्यान रखना जो वर्क होता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, उसकी एक यूनिट होती है जो कि होती है जूल, है ना. तो इसलिए जिसकी यूनिट हो गई वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया. इसलिए आप वर्क को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते आज मैंने 5 काम किए, बोल सकते हो इनफॉर्मली, हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में नहीं बोल सकते. यू कैन नॉट से आई डिड 5 वर्क्स टुडे, वो गलत हो जाएगा. बट आपने एक वर्ड देखा होगा फायरवर्क्स, ये जरूर देखा होगा. तो ये उस कंपनी का नाम है जो क्रैकर्स मैन्युफैक्चर करती है. इस वाले फायरवर्क्स का इस वाले वर्क से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है. मैं आपको ये बता रहा हूँ बिकॉज अभी बार स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को डाउट होता है एंड दे आर अनेबल टू क्लैरिफाई देमसेल्व्स. ओके, तो उनको बताने वाला नहीं होता है, हर चीज नहीं बताई जा सकती, लेकिन जब माइंड में आ जाती है सो बता देनी चाहिए. तो वर्क, यहाँ पे वर्क कौन सा हो गया, वही काम वाला हो गया. लेकिन जो वर्क होता है वो पीस ऑफ लिटरेसी होता है, ठीक है. मैं यहाँ पे लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, जो लिटरेचर में रिटर्न वर्क होते हैं पर्टिकुलर ऑथर के, उसको वर्क्स बोला जाता है, ठीक है, ये थोड़ा माइंड में रखना है आपको. उसके बाद एडवाइस का मतलब आपको बताइए, सलाह होती है, लेकिन एडवाइसेस का मतलब इन्फॉर्मेशन हो जाता है. एडवाइस मतलब सलाह, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर इसको प्लूरल फॉर्म में कर देते हो, आप प्लूरल फॉर्म में अगर कर देते हो तो इट बिकेम इन्फॉर्मेशन. ओके, इसको ध्यान रखिएगा. कंपस और कंपासेस मैंने आपको अभी बता ही दिया है. ये वाला जो होता है जियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वाला क्या होता है, जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. उसके बाद है एंटीलोप, ये भी मैंने शायद बता दिया था आपको, नहीं नहीं बताया था. मैंने डियर के बारे में आपको बताया था, फिशेज के बारे में आपको बताया था, ठीक है. ऐसी एंटीलॉप्स भी होता है, जैसा मैंने आपको बताया था फिशेज जो होता है वराइटी ऑफ फिश, वराइटीज ऑफ फिश बताता है ना, नंबर्स ऑफ फिश नहीं बताता है. ऐसी जो एंटीलॉप है आपको बताइए वो क्या होता है, शायद 12 सिंगा बोलते हैं, और ये एक आई थिंक ब्रीड है डियर की. ऐसी एंटीलॉप्स बोलते हो आप तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीलॉप हो जाएगा. ओके, नंबर से लेना देना नहीं है. उसके बाद है कंटेंट, मैंने बताई दिया कंटेंट, यहाँ पे इसका मतलब कंटेंट का मतलब क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन, कि अगर मैं बोलता हूँ आई एम कंटेंटेड, इसका मतलब क्या हो गया, आई एम सेटिस्फाइड. लेकिन कंटेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया, जो इंडेक्स होते हैं हर एक बुक में जो पहले पेज पे होते हैं चैप्टर से पहले, उसे कंटेंट्स भी बोला जाता है. ओके, लाइट का मतलब रेडियंस, लाइक ओवर हियर यू कैन फील द लाइट, यू कैन सी द लाइट. ओके, वो हो गया लाइट. लेकिन लाइट्स का मतलब हो गया लैम्प्स. ओके, दे आर काउंटेबल, दे आर काउंटेबल, बट
दिस वन इज अनकाउंटेबल. लाइट को आप काउंट नहीं कर सकते हो. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट दिस लाइट, सॉरी दिस लाइट्स, दिस इज लाइट्स, ओके, लैम्प्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैम्प्स व्हिच यू कैन काउंट, तो दे बिकम प्लूरल एंड दोनों का डिफरेंट मतलब भी थोड़ा चेंज हो गया है. ये रेडियंस के बारे में बात है, लाइक रेडिएशन, एंड ये उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात है विच वी कैन काउंट एंड दे व्हाट दे प्रोड्यूस लाइट. आगे बढ़ते हैं. अब ये है प्रमाइस. प्रमाइस का मतलब क्या होता है? अजम्पशन. एक वर्ड होता है अज्यूम, एक होता है सरमाइज, एक होता है प्रमाइस. तीनों का मतलब यही होता है, टू अज्यूम है ना, अनुमान लगाना. लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे वर्ब की तरह भी है, नाउन की तरह भी है सिंगुलर फॉर्म में. लेकिन प्रमाइसिस का मतलब आपको पता होगा, एक तरह का अपार्टमेंट होता है और अ बिल्डिंग. तो ये कुछ ऐसे नाउन्स मैंने ऐड किए हैं आज के सेशन में अपनी स्लाइड में, विच आई थॉट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू नीड टू लर्न देम एज सून एज पॉसिबल बिफोर योर एग्जामिनेशन. ओके, आई थिंक अवर स्लाइड्स आर कंप्लीटेड एंड आई हैव नो अदर स्लाइड्स एंड आई थिंक टुडे सेशन इज कंप्लीटेड टू. या थैंक यू फॉर द सेशन एंड माई सेशन फॉर द नाउन नंबर्स is completed and we are going to meet in our next session with a different topic of nouns. I hope we will meet again and till then take care and do whatever you want to do. Bye bye guys.